फिरोजाबाद वार्ड नंबर 29 बालाजी नगर के लोग पहुंचे बिजली विभाग के दफ्तर, लगाए बिजली विभाग पर गंभीर आरोप। फिरोजाबाद वार्ड नंबर 29 बालाजी नगर के लोगों का बिजली विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए बिजली दफ्तर का घेराव किया। उनका कहना है कि हमारे यहां पर विद्युत व्यवस्था रामभरोसे चल रही है, आए दिन विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हादसे होते रहते हैं, कई बार जानवर इंसानों की भी जान विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जा चुकी है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष एकत्रित होकर फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी फाटक स्थित बिजली विभाग के दफ्तर पर एकत्रित हुए। उन्होंने विभाग पर आरोप लगाया कि हमारे यहाँ पर काफी लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है, लिहाजा सरकार ने अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं किया। हमारे यहाँ पर विद्युत आपूर्ति के लिए लाइट के खंभे नहीं लगे, हमारे यहाँ पर बांस और बिल्लियों के सहारे विद्युत सप्लाई दी जा रही है, लिहाजा हमारा विभाग चेक निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे यहाँ की समस्या का समाधान किया जाए। कहाँ से आई हैं आप? तो भाई साहब भी जा रहे हैं, क्या समस्या आप लोगों की? तो नहीं, हम परेशानी हो रही है। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो शाम के वापस आते हैं, अंधेरा पड़ा रहता है, बच्चे परेशान होते हैं। क्या समस्या है आपकी? लाइट का समस्या रहता है, लाइट अच्छी नहीं लगे। तो यहाँ पर आप क्यों आई हैं? मैं बिजली के कारण आई हूँ, बिजली लगवानी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जो है नई आबादी बालाजी नगर फांसा नगर। क्यों आए हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ बिजली नहीं है, बिजली बहुत समस्या है और आज दिनों हमारे यहाँ चोरी होती रहती है, अंधेरे में हम लोग रहते हैं, काफ़ी दिन हो गए कहते कहते, अभी तक बिजली का कोई सलूशन नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप विद्युत विभाग? मैं विद्युत विभाग से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पोल लग जाए और पूरे बस्ती में लाइन हो जाए, यही कहना चाहता हूँ। शिव कुमार राठौर नाम है मेरा और मैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर मंडल का ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हमारे वार्ड नंबर 29 शहर के नगर निगम सीमा में है, वार्ड नंबर 29 टापाखुर्द की आबादी है, जैसे नगला पानसा है और बालाजी नगर, नई आबादी बालाजी नगर की। ये समस्या ये है कि विद्युतीकरण नहीं है यहाँ पर और पोल नहीं लगे हैं, तो यहाँ की जनता को अंधेरे में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आए दिन घटनाएं होती हैं, किसी की भैंस मर जाती है तो किसी की गाय मर जाती है। पूर्व में मैं आपको बताऊं, दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केबल जो जा रही है लोगों की, कनेक्शन वालों की, उपभोक्ताओं की, वो बांस और बल्लियों के सहारे से केबलें जा रही हैं, उस पर घटनाएं आए दिन घटनाएं होती हैं। पहले दो लोगों की मृत्यु हो चुकी और बिजली विभाग के लोगों ने थोड़े थोड़े लोगों को कागज़ के टुकड़े थमा दिए और उनका मुँह बंद कर दिया। तो मैं यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग काम नहीं करा सकते तो फिर आप अपने घर जाओ, इन कुर्सियों पर बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है, आप अपने घर जाइए। क्षेत्र की जनता को या तो विद्युतीकरण का काम दो, नहीं दे सकते तो फिर इनको बेवकूफ़ बनाने का कोई अधिकार आपको नहीं है, इन लोगों का काम होना चाहिए। मैं पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के आया हूँ और मेरा इन अधिकारियों से यही कहना है। अभी मैं मिलूँगा एक्सीएन साहब से और उनसे बात करूंगा कि इस क्षेत्र में विद्युतीकरण आखिर कब होगा, कितने लोगों की आप जाने लेंगे, चोरी होती कितनी चोरियां कराएंगे, कितने लोगों की गाय भैंस मरवाएंगे, मैं ये पूछूंगा।